हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या पर। साथियों, मुझे आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं साइटोलॉजी और हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका विज्ञान। इसमें जो हमने आज ओरिजिनल से टॉपिक लिया है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में समझते हैं, क्या इसके बारे में समझेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उनको देखेंगे, और जो हमेशा एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे मिलता है, पूछा जाता है, उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मीन्स क्या होता है, इसका इतिहास, इसकी मीन्स इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसकी खोज कैसे हुई। तो डिस्कवरी देख लेते हैं या फिर इसकी खोज देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिसने डिस्कवर किया था, तो कॉलिकर 1880 में डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया इन इज, इसको यहाँ से हटाया था, इज इन स्ट्रिएटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट। मीन्स कॉलिकर ने 1880 में इनके कीटों की रेखित पेशियों से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो कहाँ से की थी, रेखित कोशिकाएँ थी, किसकी थी, कीटों की थी, इंसेक्ट की थी। कौन सी मसल थी, स्ट्रिएटेड मसल थी। किसने की थी, कॉलिकर ने की थी। कब की थी, 1880 ईस्वी में की थी। ये दोस्तों पॉइंट आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी क्रम में दूसरा जो पॉइंट है, अल्टमान ने 1819 में गिव नेम द बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट कई बार पूछा जाता है, बायोप्लास्ट नेम किसके द्वारा दिया गया है, तो अल्टमान के द्वारा दिया गया था साइंटिस्ट। और कब दिया गया था, तो 1890 ईस्वी में इसको दिया गया था। चलिए दोस्तों, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, सी बेंडा ने 1897 में फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया नेम क्वाइंड। माइटोकॉन्ड्रिया नेम किसके द्वारा दिया गया था पहली बार, तो हमारे कहते हैं सी बेंडा के द्वारा दिया गया था। समझ गए आप। तो कॉलिकर ने किया था, कॉलिकर ने डिस्कवरी की थी माइटोकॉन्ड्रिया की, खोज की थी। इन्होंने नाम नहीं सजेशन किया था, लेकिन कहा हाँ कोई ऐसा ऑर्गेनल्स है जो एटीपी सिंथेसिस करता है, ठीक है। और इसके बाद में अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से पुकारा, उन्होंने बायोप्लास्ट नाम के नाम। लेकिन फाइनली सी बेंडा ने 1897 में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो तीनों साइंटिस्ट के बारे में समझ गए, कॉलिकर ने क्या किया था, अल्टमान ने क्या किया था, और सी बेंडा ने क्या किया था। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो आगे देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की शेप कैसा, इसका आकार कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आकार होता है सॉजेस टाइप का होता है, या सिलेंड्रिकल कह सकते हैं, या रॉड शेप कहते हैं, या छड़नुमा। अब सॉजेस मीन्स क्या होता है, सॉजेस मीन्स होता है जूते या चप्पल के, जूते के आकार का। तो आपने देखा होगा इसमें जो इसकी आपने देखा होगा इमेज, अगर इसकी बनाते हैं तो ये सेब होती है। तो ये ऊपर से आपने देखा होगा जैसे जूता ऊपर से कटा दिखाई देता है, बिल्कुल इस इमेज के माध्यम से यहाँ समझ लेते हैं। ये आपने देखा, ये सेब आप देख लीजिए, यहाँ पे ये सेब है। तो इस सेब आपने देखी, ये वाली तो बिल्कुल है जूते शूज़ के आकार की सेब है। इस शूज़ के आकार की सेब को ही क्या, सॉजेस के नाम से इसको जानते हैं। तो समझ में आ गया इसका। तो इसकी सेब कैसी होती है, सॉजेस आकार की होती है, सिलेंड्रिकल होती है, यानी एक कॉलमुलर या छंडनुमा होती है, रॉड सेप इसको कह सकते हैं। इसके बाद जो फैक्ट इसके कौन कौन से, ये देखें, इट इज़ नॉट विजिबल विदाउट स्टेनिंग। मीन्स अगर इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प ली जाए तो उस माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देखा जा सकता विदाउट स्टेनिंग, इसको अभिरंजन के बिना। अब इसको अभिरंजन करने के लिए कौन से स्टेन की आवश्यकता पड़ती है, तो जो कई बार एग्जाम में बहुत बार इस स्टेन को पूछा गया है, तो जीनस ग्रीन वी स्टेन है जिसकी हेल्प से, जिसकी स्टेनिंग के बाद ही माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर प्लेन माइक्रोस्कोप की सहायता से, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इसको स्टेन किसने, स्टेन कौन सी इसकी स्टेनिंग है जिसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित किया जाता है या फिर स्टेनिंग की जाती है, तो जीनस ग्रीन वी स्टेन, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है, इट इज़ अब्सेंट इन आरबीसी और एक्सेल। तो किस में अनुपस्थित मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया, तो रेड ब्लड कार्पसल्स में मिलती है और एग मीन्स अंडे में मिलेगी। एग इसमें क्योंकि योग होता है, योग इसमें एनर्जी का काम कौन का, योग करता है इसमें एग में, ठीक है। तो इसके द्वारा और इसके साथ कौन, एक आरबीसी हमारी हो गई और एग हो गया, और दूसरा प्रोकैरियोट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। तो तीन चीज़ समझ गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ प्रेजेंट ऑल कैरियोट सेल्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक यूकैरियोट सेल्स में मौजूद मिले एक्सेप्ट ईस्ट के सिवा। इसका मतलब क्या, ईस्ट में अनुपस्थित होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे क्या आरबीसी हो गया, ईस्ट हो गया, और एग हो गया, और हमारी प्रोकैरियोट सेल्स हो गई। तो चार में ये माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट मिलेगी, ठीक है। और इसमें क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया बाय फिशन। तो मीन्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का रेप्लिकेशन या डिवाइडेशन कैसा होता है, तो बाय फिशन के द्वारा होता है। सपोज दैट ये माइटोकॉन्ड्रिया है,
तो फिशन का मिस होता है, एक हियाँ टूट गई एक हियाँ टूट गई, ठीक है। तो फिर ये आगे चल के फिर यहाँ से दो बन गई इसके द्वारा से, और इसके द्वारा फिर यहाँ से दो बन गए, तो ये हमारे कैसे होगा, ये हमारा फिशन कहलाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया दोस्तों यहाँ पर आपको, ठीक। इसके द्वारा अब जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, इसके बाद में है ये हमारा है, इसको देखते हैं। तो साइटोलॉजी इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमको क्या दिखाई देता है, तो ये एंजाइम इसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में अधिकतर यही पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इनके नाम से पूछा जाता है, किसने कौन कौन से नाम दिया। दूसरा, इसमें एंजाइम कौन कौन सी मेम्ब्रेन में कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो एंजाइम एक बार डिस्कस करने से पहले इसके इमेज के माध्यम से हम लोग ये देख लेते हैं कि जो इसमें, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, जो इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया का ये हमारा क्या फिगर है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो रेड रेड की हमारी बनी है, ये हमारी क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक। जो हमारी इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डिंग कहलाती है, जो आपने देखी होगी, ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ये हमारी क्या है, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी, और ये हमारी जो रेड वाली आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी। लेकिन जो हमारा बीच में जो ग्रे कलर का जो हिस्सा दिखाई देता है, इसको आउटर चैम्बर के नाम से जानते हैं। इसको क्या, इसको नया नाम थे, आउटर चैम्बर के नाम से जानते हैं, इसको आउटर चैम्बर के नाम से जानते हैं। अब जो हमारे जो फोल्ड्स हैं, ये फोल्ड किस में है, ये फोल्ड्स हमारे हैं इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये तो एक डबल मेम्ब्रेन होती है, आपको पता ही है, क्लोरोप्लास्ट सही, न्यूक्लियस सही, और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक। जो इसमें नीचे फोल्ड की गई, इनको हम क्या कहते हैं, इनको क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपने देखा, ये फोल्ड हमारे कैसे हैं, ये क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन हो गई। बीच में जो हमारे ग्रीन कलर, जो ब्लू कलर का जो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, ये पदार्थ जो दिखाई दे रहा है ल्यूकिफाइड, इसको क्या कहते हैं, इसको मैट्रिक्स के नाम से इसको जानते हैं। तो समझ में आ गया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इसमें क्या होता है, ये हमारा आउटर चैम्बर, इसके नाम से ये आउटर चैम्बर हमारा हो गया जी। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। क्रिस्टी समझ में आ गई, क्रिस्टी और क्रिस्टा, क्रिस्टा हमारा सिंगुलर फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म हमारा क्रिस्टी हो जाती है, ठीक है। ये आप, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए दोस्तों, ये इसमें देखो, इसमें डीएनए भी इसमें मिलेगा, आरएनए भी इसमें मिलेगा। मीन्स इस डीएनए आरएनए मिलते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में ये फैक्ट इसके बारे में समझ लेते हैं, ये फैक्ट क्या है, इसके ये फैक्ट के बारे में समझते हैं। अब इनर मेम्ब्रेन पे कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन पे सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम पाए जाते हैं, इसी को ही मार्कर एंजाइम के नाम से जानते हैं। इसे, इसको बहुत कई बार पूछा है। तो मार्कर एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो मार्कर एंजाइम हमारे क्या है, इनर मेम्ब्रेन पाया जाता है। नाम क्या है उसको, सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज इसका नाम है, ठीक दोस्तों। इसके बाद में एक और इनर मेम्ब्रेन एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम और सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ये इनर मेम्ब्रेन आपका माइटोकॉन्ड्रिया के पाए जाते हैं, ठीक। इसके बाद जो आउटर मेम्ब्रेन जो बाहरी परत है, उस पर कौन सा एंजाइम पाया, उसमें फैटी एसिड को एलिगेज, फैटी एसिड को एलिगेज एंजाइम पाए जाते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। अब आउटर चैम्बर हमने जो आपको डिस्कस किया था, जो बीच में होता है इनके, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो चैम्बर, उसे आउटर चैम्बर के नाम से, इसमें क्या है, एडिनाइलेट काइनेज एंजाइम पाया जाता है, एडिनाइलेट काइनेज एंजाइम पाया जाता है, ये हमेशा याद रखना। मैट्रिक्स हमारे कौन से पाया जाता है, मैट्रिक्स में माल्टेज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, M4 मैट्रिक्स, M4 माल्टेज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम पाया जाता है। तो इनर मेम्ब्रेन में दो हमारे सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज हो गए, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज एंजाइम मिल गए, आउटर मेम्ब्रेन में हमारे फैटी एसिड कॉलिगेज एंजाइम, कॉलिगेज मिल गया, और आउटर चैम्बर मध्य में जो संरचना होती है उसको आउटर चैम्बर कहते हैं, इसमें एडिनाइलेट काइनेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। मैट्रिक्स में हमारे माल्टेज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक। ये एंजाइम एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और कई बार एग्जाम में पूछे गए ये एग्जाम, तो इनको याद रखना, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बारे में क्या है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है स्लाइड है, इसमें अब इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स या कौन कौन सी स्पेसिफिक पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं। इन मैट्रिक्स फाउंड वेरियस लाइक एंजाइम, मैट्रिक्स में कौन कौन से एंजाइम, अभी हमने कहाँ पढ़े थे, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर चैम्बर में पढ़े थे, ठीक है। और उसमें मैट्रिक्स में कौन से पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें मैट्रिक्स में कौन कौन से और कौन से, एक तो क्रेब साइकिल एंजाइम पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्रेब साइकिल चलता है, ठीक। लिंक रिएक्शन एंजाइम पाए जाते हैं, लिंक रिएक्शन आपने देखा होगा उसमें, ठीक है, वो एंजाइम पाया, और फैट ऑक्सीडेज ऑक्सीडेशन एंजाइम पाए जाते हैं। फैट ऑक्सीडेशन एंजाइम कहाँ है, मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं।
अब इसके बाद में और क्या क्या चीज़ पाई जाती है मैट्रिक्स में, आल्सो फाउंड सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, मतलब एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब डबल सर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल डीएनए पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, सिंगल डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। सर्कुलर मीन्स होता है राउंड शेप, ये इसमें ये नहीं आएगा, इसमें लीनियर फॉर्म नहीं होता है, और ये सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो सर्कुलर हमारा हो गया ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर फॉर्म डी। और इसके संग क्या है, आरएनए पाया जाता है, तो डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम कौन सा पाया जाता है, 70S प्रकार का पाया जाता है, 70S प्रकार के इसमें राइबोसोम पाया जाता है, ठीक। जब इसमें डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, राइबोस पाया जाता है, तो इसका मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस कैपेबल है। मैं यही घटना प्रोटीन सिंथेसिस के, आरएनए चाहिए, डीएनए चाहिए, तो इसका मतलब इसमें क्या होता है, इसका मतलब इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन दोनों होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों प्रक्रिया, और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो दो ऑर्गेनल्स हमारे होते हैं, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इट नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। हमने पीछे साइटोप्लाज्म की क्लास ली थी, उसमें आपको समझाया था सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, इसमें भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेमी मीन्स होता है अर्ध, ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होता है, ऑटोनोमस मीन्स होता है सेल्फ रेगुलेट होने वाला, मीन्स इसमें अब मान के चलिए इसमें प्रोटीन, ये खुद प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकता है। इसके मतलब क्या है, इसके पास डीएनए है और आरएनए है, और इसके पास क्या है, राइबोसोम है, तो लेकिन कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता, ये सम कर पाता। सपोज दैट अगर इसको 50 प्रोटीन की नीड्स है, तो ये 50 पर कर देता है, मीन्स 25 प्रोटीन सिंथेसिस कर लेगा, और 25 प्रोटीन जो हमारी नीड्स होगी वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसके द्वारा होती हैं। तो इसके द्वारा तो कौन, तो सेमी, इसलिए इसका मतलब ये है उसने कुछ ना कुछ प्रोटीन सिंथेसिस अपनी अवश्य कर ली नीड के अनुसार, हाफ कर लेता है। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इसी के वजह से इसको क्या कहते हैं, इसी के वजह से इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं, ठीक दोस्तों, समझ में आ गया। इसके बाद में जो हमारा जो इसमें पॉइंट बचता है, फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड क्रिस्टी, हमने डिस्कस कर लिया था जो इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग होती है इसको क्या है, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, ठीक दोस्तों। और ये किसकी बनी होती है क्रिस्टी, ये बनी होती है F1 पार्टिकल और F0 पार्टिकल की बनी होती है। ये क्रिस्टी में आपने देखा होगा, ये संरचना इसमें बनती है, ये संरचना, ये संरचना इसमें बनती है। तो जो ऊपर ये हमारा क्या F1 पार्टिकल हो जाता है, और नीचे का F0 पार्टिकल हो जाता है, F1 और F0 पार्टिकल होता है। जो F1 पार्टिकल्स होता है ये डबल लेयर होता है फास्फोलिपिड का बना होता है, और जो हमारा नीचे F0 पार्टिकल होता है ये सिंगल लेयर फास्फेट का बना हुआ होता है, ये भी मेजर इसमें डिफरेंस होता है। और इसमें क्या कहते हैं, इसको जो दोनों का होता है F1 पार्टिकल्स और F0 पार्टिकल को कॉम्बिनेशन रूप में क्या क्या नाम थे, इन्हीं के रूप में ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम है F0 नोन एज द ऑक्सीसोम। तो ऑक्सीसोम क्या होता है, इनका नाम होता है, इस पे इसका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीसोम का इसका फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ द ATP। इसमें ATP का निर्माण होता है कहाँ होता है, ऑक्सीसोम में होता है। ऑक्सीसोम कहाँ पाए जाते हैं, क्रिस्टी पे पाए जाते हैं, F1 और F0 पार्टिकल को मिला के कहते हैं। किसके बने होते हैं, ये हमारे के अंदर फास्फोलिपिड के बने होते हैं, डबल लेयर और सिंगल लेयर फास्फोलिपिड के बने होते हैं। दोस्तों इस माइटोकॉन्ड्रिया के जो हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने आपके संग शेयर किए, और मुझे ऐसी उम्मीद और आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम अगर वॉच कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और हो सके तो शेयर कर दीजिए। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।